हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी के चलते 4 महीने बंद रहने के बाद सोमवार यानी आज से 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग के माइक्रो प्लान के तहत ही छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। सुबह 9:30 बजे छात्र स्कूल पहुंचे, सभी छात्रों ने मास्क पहनकर प्रवेश किया। इस दौरान सुबह की प्रार्थना सभा नहीं हुई। स्कूल में छात्रों के प्रवेश के वक्त थर्मल स्कैनिंग की गई और क्लास में भी छात्रों को उचित दूरी पर बिठाया गया। शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए SOP जारी की है। SOP के तहत ज्यादा बच्चे होने पर 2-2 क्लासरूम में बच्चे बिठाए जाएंगे। स्कूल का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने और छुट्टी करने के बाद घर जाने का समय अलग अलग रहेगा। मौसम साफ रहने पर खुले में भी कक्षाएं लग सकती हैं। 5वीं व 8वीं के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। पढ़ाई स्कूल में हो रही है तो हमें काफ़ी खुशी हो रही है। हम आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला है और ऑनलाइन हमारी क्लास इतने अच्छे से नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है और मतलब हमें एक दूसरे के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और हमें टीचर से इंटरेक्ट करके और अपने डाउट्स क्लियर करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन स्टडीज़ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी और अटेंडेंस भी नहीं लग पाती थी, अब सभी बच्चे आते हैं और कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो करके अच्छे से पढ़ते हैं।